बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रन रिम स्टूडेंट्स क्लास फाइव और लेसन नंबर थ्री मैथ सब्जेक्ट ये बेसिकली लेसन नंबर थ्री रिलेटेड है रेशो चैप्टर से और रियल लाइफ स्टोरीज करेंगे ताकि हमारा जो फर्स्ट uh, टर्म एग्जाम जो अभी होने वाले हैं उनके अंदर ये चैप्टर आने वाला है तो थोड़ी आसानी से इसे सॉल्व करके देखते हैं एग्जाम्पल हमारे सामने आएगी सैफ बॉट अ बॉक्स ऑफ बनाना मफीन्स एंड द चॉकलेट मफिन्स यानी सैफ ने एक बॉक्स परचेज किया जिसमें बनाना मफीन्स भी हैं और चॉकलेट मफिन्स भी हैं अब हमें एक्सप्लेन जो गिवन डाटा में जो हमें एक्सप्लेन कर रहा है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बनाना मफीन्स टू अ नंबर ऑफ चॉकलेट मफीन्स इज रेशो वन रेशो टू रेशो थ्री यानी जो बनाना है वो अगर एक होए तो जो चॉकलेट मफिन्स हैं वो तीन होंगी देर आर टू बनाना मफिन हाउ मैनी मफिन बॉक्स के अगर दो बनाना मफिन तो, uh, टोटल बॉक्स में कितनी होगी है देखें अगर हम इसके uh, टोटल जो हमारी रेशो है एक और ये तीन अगर हम इसके इनको टोटल मिला लें यानी एक तरफ अगर हमारे पास बनाना मफिन एक में आ जाए और उसके बाद जो तीन है वो हमारे चॉकलेट मफिन आ जाए तो ये टोटल मिला के कितने हो गए चार अब चार में से हर एक पोर्शन के अंदर वो हमें बता रहे कि दो बनाना मफिन है यानी इस बॉक्स में भी दो बनाना मफीन है इसमें भी दो है इसमें भी दो है इसमें भी दो है ये जो ओवरऑल रेशो थी ये तो उसने ओवरऑल रेशो बनाना मफिन और चॉकलेट मफीन्स की एक्सप्लेन की है सो अगर की बात करते हैं यानी इस एक बॉक्स की बात करते हैं तो एक बॉक्स में जो बनाना मफिन है वो दो आ रहे हैं अब सवाल ये है कि अगर चार जो हैं उनमें टोटल बॉक्सिस अगर चार बनते हैं तो चार में कितने आएंगे तो फोर बनाना मफीन्स टू मल्टीपल बाय फोर इज इक्वल टू एट यानी हमारे टोटल जो बॉक्स है उनके अंदर एट बनाना मफीन्स आएंगे अच्छा नेक्स्ट जो सेकंड uh, नंबर पे आता है एक लेमन एड द नंबर ऑफ कप ऑफ लेमन जूस एंड द शुगर मस्ट बी ए मिक्सड ऑफ द ऑफ फोर रेशो वन यानी अगर लेमन जूस और शुगर को मिलाया जाता है तो उसकी जो रेशो बनती है लेमन आइड की वो बनती है फोर रेशो वन की यानी चार लेमन जूस और शुगर उसमें एक ऐड होती है हाउ मच लेमन जूस शुड बी सारा एडेड यूज फॉर द टू कप ऑफ शुगर यानी दो कप के लिए वो कितना इस इस्तेमाल है? है इसे सिर्फ हमने ये समझना है कि देखिए हमारे पास एक रेशो दी गई है फोर रेशो वन की और हमें टू कप ऑफ शुगर पता करनी है अब देखें शुगर हमारे पास दो का पता करने अब बहुत साधा सा है, हम यहाँ पे जो टोटल हमारे पास जो रेशो आ रही है वो हमारे पास फोर है और जिसे हमने डिवाइड करना है शुगर हमारे पास टू है तो हमारा आंसर टू कप आ जाएगा यानी टू कप हमारा ये आंसर आ गया 168 पीपल एक इवेंट को अटेंड करते हैं द रेशो ऑफ नंबर जो आदमियों की रेशो है जो बंदे हैं वो इस रेशो में एंड द नंबर ऑफ वोमेन और जो खातीन है इज द रेशो ऑफ फाइव थ्री यानी अगर टोटल आठ हो अगर टोटल आठ हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इस एट में से जो मेन हैं वो पांच आएंगे और जो वुमेन हैं वो तीन आएंगी तो इस हिसाब से अब वो हमसे क्वेश्चन ये कर रहा है हाउ मैनी मैन अटेंड द इवेंट कि एट यूनिट इज इक्वल टू वन सिक्सटी एट यानी ये एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ यानी ये टोटल यूनिट मिला दिए जाए तो हमारे पास जो पीपल्स हैं उनकी तादाद बनती है वन सिक्सटी एट अब हम ये देखते हैं कि हर एक के अंदर अभी ये तो ओवरऑल है अब इस ओवरऑल में पांच खातन हो पांच मर्द हो और तीन खातीन हो तो क्या होगा कि ये 168 की क्वांटिटी बनेगी अब हम इसमें से एक एक यूनिट को निकाल लेते हैं ताकि हमें तादाद पता करना आसान हो जाए अब वन यूनिट इज इक्वल टू 168 सिक्सटी एट डिवाइड बाय एट अब ये डिवाइड बाय एट के साथ हमारे पास इसका वो आ जाएगा ट्वेंटी वन अब देखें एक यूनिट हमें पता चल गया कि अब जो हैं, ये five unit कौन से मल्टीपल बाय फाइव इज इक्वल टू क्या हो गए फाइव वन फाइव और फाइव टू वन जीरो फाइव यानी एक सौ पांच जो है वो मैन आएंगे अब इसमें हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि वन जीरो फाइव मैन अटेंड द इवेंट अब इसका क्वेश्चन बी पार्ट करते हैं हाउ मैनी वोमेन अटेंड द इवेंट जैसे हमने मैन का पता किया था इसी तरह से अब वोमेन का कर लेंगे यूनिट तो हमें पता ही है कि यूनिट वो हमारा ट्वेंटी वन है अब इनको हम मल्टीपल करेंगे थ्री वन द्री और थ्री टू दिक्स यानी सिक्सटी थ्री हमारे पास वोमेन हो जाती हैं। अब काउंटर चेक के लिए अगर हम इनको जमा भी कर लेना जैसे 63 और 105 को अगर हम प्लस भी कर लेते हैं तो हमारा ये टोटल बनना चाहिए फाइव थ्री एट सिक्स और ये और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। हमारा डबल वन नाइन है और नंबर फोर को समझते हैं कि फरवा एंड सना शेड ऑफ स्नेवा रुपए तो सना ने दिए पांच रुपए अब रेशो जो है दोनों की बराबर नहीं है दोनों ने एक जैसे पैसे नहीं दिए फरवा पेड थर्टी रुपीज यानी फरवा ने अगर थर्टी रुपीज पे कर दिए जिसकी रेशो छ तो अब सवाल ये है कि टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी आई है यानी कितने पैसे सना को देने पड़ेंगे और टोटल मिला के कितने हो जाएंगे अब जाहिर है वो थर्टी रुपीज़ से तो कम ही होंगे 30 से कम होंगे तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो टोटल कितने बनेंगे सो so, हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये जो रेशो है टोटल हमारी कितने बनते हैं रेशो एक की छः है और एक की पांच है तो ये दोनों टोटल मिला के सिक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू इलेवन यानी हमारी टोटल जो रेशो है तो रेशो का जो टोटल है वो हमारा बन गया ग्यारह अब देखें सिक्स यूनिट ऑफ सिक्स यूनिट ऑफ किसके हैं थर्टी के यानी थर्टी सिक्स यूनिट थर्टी फरवा दे रही है छे रेशो और कितने के दे रही है थर्टी का अब इसका क्या करेंगे हम वन यूनिट पता कर लेंगे तो हम वन यूनिट के लिए थर्टी डिवाइड बाय सिक्स ये हमारा आ गया एक यूनिट बराबर है के। अब सवाल है कि अगर हमारा एक यूनिट पांच के बराबर है यानी इसमें के बराबर आ रहे तो इस हिसाब तो 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 कि ये थर्टी हो गए जो कि हमारे यहाँ पे गिवन डाटा में भी लिखे हुए ये हमने मजीद आगे पता करने सो यूनिट हमें पता चल गया कि एक यूनिट की कॉस्ट पांच आ रही है अच्छा अब हमने पता ये करना है हाउ मच डिड द स्नेक कॉस्ट इन ऑल इन ऑल का मतलब ये के हमारे टोटल जो जो हमारा टोटल रेशियो है वो हमारे है ग्यारह यूनिट इलेवन यूनिट हमारा टोटल है सो इलेवन मल्टीपल बाय फाइव ये क्या हो गया फिफ्टी फाइव यानी उन्होंने फिफ्टी फाइव रुपीज एट ऑल दिए अब इस फिफ्टी फाइव में आप ये देखें कि थर्टी रुपीज तो दे दिए हैं फरवाने सो so पच्चीस रुपए जो है वो कौन देगी सना देगी लेकिन हमारा क्वेश्चन यहां तक एंड हो जाता है इसे करने की जरूरत नहीं है फाइव की तरफ बढ़ते हैं नंबर फाइव पे है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ जराफ्स के जराफ्स की जो रेशो है और द नंबर ऑफ द जेबराज इज फोर रेशो थ्री यानी जराफ्स चार और जैबराज सेवन है अब देर आर नाइन मोर जेबराज देन जराफ के जेबरा नौ ज्यादा हैं जराफ से रेशो हमें बता दी चार रेशो सेवन है वट इज द टोटल नंबर ऑफ जराफ इन द जेबराज इन द सफारी अब देखें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल बनता है इनकी कैलकुलेशन कितने यूनिट बनते हैं फोर और सेवन को अगर हम जमा करते हैं तो हमारे टोटल यूनिट बन गए फोर प्लस सेवन ग्यारह यूनिट बन गए अब इन 11 में से हो ये रहा है कि ये 11 सेट है बेसिकली 11 सेट में ऐसे हो रहा है कि देखें चार सेट चार अगर रेशो लगाते हैं जराफ की तो चार बॉक्स जराफ के हैं और सात जो सात हैं टोटल वो जैबरा के हैं अब ये टोटल मिला के हमारे पास 11 हो जाते हैं अब सुने देखें अगर हम इनको बॉक्सेस में भी देख रहे हैं तो यहां तक देखें हमारे जो ज़ेब्रा और जो जराफ हैं वो बराबर होते हैं सिर्फ तीन बॉक्स एक्स्ट्रा होते हैं सिर्फ तीन एक्स्ट्रा होते हैं जिनके अंदर ज़ेब्रा ज्यादा हैं यानी आप ये कह लें कि नाइन मोर ज्यादा हैं अब हम सिर्फ इतना पता कर लेते हैं कि ये जो नाइन है एक बॉक्स में इनकी क्वांटिटी कितनी है ताकि हम टोटल के साथ जब उस एक क्वांटिटी को मल्टीपल करें तो हमारे टोटल जो है वो जैब्रा हमारे सामने आ जाए सो so, तीन यूनिट है बेसिकली ये तीन यूनिट के अंदर हर एक के अंदर तीन है तो तीन यूनिट में हमने वन यूनिट के जरिए इनकी वैल्यू तीन निकाल ली है अब हमारे टोटल यूनिट ग्यारह हैं और एक यूनिट में तीन है तो तीन को ग्यारह से जब मल्टीपल करेंगे तो थर्टी थ्री हमारे जराफ जेबरा टोटल तो तो आ जाएंगे नंबर सिक्स हमारा है द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग यानी एक रस्सी की जो लंबाई है ए यानी ए एक रस्सी है एक धागा है एक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई है स्ट्रिंग बी एंड द स्ट्रिंग सी इज रेशो दो यानी ए की रेशो क्या आ गई दो और ए की रेशो यहां पे दो हमारे सामने बॉक्स मेंशन किए और इसके बाद हमारी वैल्यू आती है बी की सो बी की वैल्यू रेशियो क्या आ गई फोर एक दो तीन चार फोर हो गई और इसके बाद हमारी सी और सी की वैल्यू एक है अब वो हमसे ये पूछ रहा है अब टोटल स, टोटल भी उसने हमें दिया हुआ है कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग ए इज टेन सेंटीमीटर लॉन्ग यानी ये वाली जो स्ट्रिंग है ना ये वाली जिसकी रेशियो उसने दो दी है इसकी लंबाई दस है इसकी लंबाई दस है फाइंड द टोटल लेंथ अब हमें ये पता करना है कि इसकी लेंथ और ये चारों की लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी तो कितनी बनेगी अब देखें अगर हमें इसकी लेंथ पता है कि ये दो बॉक्स हैं और इन दोनों की मिला के दस होती है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इसमें से एक बॉक्स की वन यूनिट की मेजरमेंट ले लें और जब हमारे पास वन की यूनिट की मेजरमेंट आ जाए फिर हम इन चार से मल्टीपल कर दें तो हमारी बी की लेंथ आ जाएगी इस एक से मल्टीपल कर दें तो हमारी C की वैल्यू आ जाएगी सो 2 यूनिट की जो लेंथ है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर अब यहां से बात को समझ लेना है कि 2 यूनिट की जो लेंथ है वो दस है अब 1 यूनिट की कितनी हो गई भाई जब हम 10 को मल्टीपल करेंगे 2 के साथ तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5। जब हमने 10 को डिवाइड किया 2 पे 2 फाइव टेन तो हमारी वैल्यू आ गई फाइव यानी एक यूनिट में पांच है और दूसरे में पांच है तो ये टोटल मिला के दस हो गए इसी तरह से अब हम लगाएंगे हमारी ये टोटल यूनिट कितने बनते हैं एक दो तीन चार पांच छ और सात ये सेवन यूनिट बनते हैं अब ये सेवन यूनिट हमने क्यों लिखे हैं यहां पे? क्योंकि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ थ्री स्ट्रिंग्स के वो तीनों स्ट्रिंग्स की जो है length वो हमें पूछना चाह रहे हैं तो तीनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये तीनों बॉक्सेस को जमा करना पड़ेगा या रेशो को जमा कर लेंगे दो रेशो चार सात। अब देखें एक में हमारे पास क्या हो गई पांच अब हम टोटल हमारे पास सेवन है और मल्टीपल हम पांच से करते हैं तो हमारा आंसर थर्टी फाइव आएगा यानी हमारी जो स्ट्रेंथ जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो आ गई थर्टी फाइव सेंटीमीटर उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स पेज नंबर वन टू वन है और नंबर सेवन की तरफ चलते हैं द रेशो द रेशो ऑफ एज टू हर सन्स एज इज इलेवन थ्री यानी अगर मलिहा की एज ग्यारह है तो उसके बच्चे की एज थ्री है मतलब इनके दरम्यान में ये रेशो दी गई है जो इलेवन रेशो थ्री है अब ये बताया गया है कि शी वॉज थर्टी टू ईयर ओल्ड के वो अब बत्तीस साल की अब देखें वही क्वेश्चन जो हमने यहां पे किया है ये वाला जो क्वेश्चन है वो सेम कि हमें ए की वैल्यू दे दी उसने दस की सो हम इसमें से क्या करेंगे ए, यूनिट वन की वैल्यू निकाल लेंगे और जो यूनिट वन की वैल्यू है वो हम दूसरों के साथ मल्टीपल करके उनकी वैल्यू निकालेंगे यहां पे हमें उसने टोटल की वैल्यू पता करने के लिए दिया था और यहां पे वो हमें दो वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है आप समझें कि इस इस क्वेश्चन के अंदर जो स्ट्रिंग ए है वो मलीहा है जो स्ट्रिंग बी है वो उसका सन है सो so, इसे हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं अब देखें मलिहा की एज क्या है मलिहा की रेशो क्या है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह और जो सन है वो थ्री पे इलेवन थ्री पे है अब देखें टोटल यूनिट हमने हमें सिर्फ वो बता रही है इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है सिर्फ मलिहा की एज सो हम क्या करेंगे कि इस टोट तो, इस रेशो में से सिर्फ हम मलिहा को लेंगे और मलिहा का एक यूनिट निकालेंगे कि हर यूनिट के अंदर मलिहा की एज कितनी बन रही है ये यूनिट हम निकालेंगे सो हम ये करते हैं कि 11 में से अगर 3 को निकालते हैं तो हमारे पास यूनिट रह जाते हैं 8, ये वाले ये आठ इस आठ में जो एज है वो हमारे पास 32 टू ईयर्स की है यानी ये आठ जो है 32 टू ईयर्स के हैं अब एट यूनिट इज इक्वल टू थर्टी टू ईयर और वन यूनिट इज इक्वल टू थर्टी टू डिवाइड बाई वो एट के तो हमारे पास आ गया फोर यानी हर एक के अंदर हमारे फोर आएंगे अब देखें हमारे जो बच्चे का एज है जो सन है उसके उसका जो जो रेशो आ रही है वो थ्री है सो हम क्या करेंगे थ्री यूनिट इज इक्वल टू तो थ्री मल्टीपल फोर इज 12 यानी वो 12 साल है अगर मलीहा 32 इयर्स की हो जाती है तो उसके जो बेटे की एज है वो 12 साल की होती है अब 8 की तरफ चलते हैं द ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ पाकिस्तानी स्टैंप सिंगापुर स्टैंप्स एंड द थाईलैंड स्टैंप्स द साइम हैज के साइम के पास पाकिस्तानी सिंगापुर और थाईलैंड की स्टैंप्स हैं अब क्या होता है कि पाकिस्तान की जो स्टैम्प्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो ग्राफ बना के दिया गया है हमें बताई नहीं है लेकिन हमने यहां पे थोड़ा सा जहन लगाना है कि ये जो 10 की काउंटिंग है इसके दरमियान में कितने पॉइंट ब्रेक हो रहे हैं दो चार छ आठ और दस यानी हर छोटा पॉइंट दो की क्वांटिटी को शो कर रहा है सो हम पाकिस्तान को लेकर चलते हैं तो यहां तक तो हमारे पचास हो गए ऊपर से जो लाइन है ये फिफ्टी एंड फिफ्टी अब पाकिस्तान के कितने हो गए हम लिख लेते हैं 52 पाकिस्तान के हो गए और सिंगापुर के कितने हैं सिंगापुर के 10 और प्लस टू ट्वेल्व हो गए और दूसरे नंबर पे थाईलैंड है तो थाईलैंड के कितने हो गए 30, 32, 34, 36 और ये हमारे हो गए 36 ये हमारी टोटल जो है वो बनती है रेशो जो स्टेम्स की है और साइम के पास है अब अब क्वेश्चन हमसे ये किया जा रहा है वट इज द रेशो नंबर ऑफ पाकिस्तान स्टैम्प एंड द नंबर ऑफ सिंगापुर स्टैम्प टू द टोटल ऑफ द थाईलैंड स्टैंप्स साइम हैज कि साइम के पास कितनी रेशो के मौजूद है अब देखें ये चूंकि बड़ी अमाउंट है हम इनको छोटा करेंगे छोटा करने के लिए हमें क्या करना है सिंपल इनको डिवाइड कर लेना है अब हमने वो हिंसा ढूंढना है जिसके ऊपर ये तीनों के तीनों डिवाइड होते हैं यानी इनका हमने हमारे पास इसका एच होना चाहिए वो क्या बनता है अब ये देखें सिक्स पे बड़े आसानी से चले जाते हैं सिक्स नाइन सिक्स टूज सिक्स सिक्स यानी हमारी जो रेशो बनेगी क्या बनेगी सबसे पहले जो हमने रेशो लिखनी है वो लिखनी है पाकिस्तान स्टैंप की तो पाकिस्तान स्टैंप हमारे पास आएगी नाइन और उसके बाद हमने रेशियो लिखनी है जो यहां पे सिंगापुर की है सिंगापुर की हमारे पास आती है टू और अगेन हमने लिखना है सिक्स अच्छा जी पार्ट बी के अंदर है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ थाईलैंड स्टेम्प एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टेम्प द साइम हैज टोटल नंबर कितने हैं और साइम के पास कितने अभी देखें टोटल के लिए हमें एक दफा इन सबको टोटल करना पड़ेगा ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये टोटल स्टेम्प कितनी है सो so, फिफ्टी एंड ट्वेल्व एंड थर्टी सिक्स तो इनको हम जब जमा करेंगे छ अब यहां पे हम इस तरफ लाइन लगा लेते हैं फिफ्टी फोर ट्वेल्व थर्टी सिक्स इनको प्लस करते हैं तो सिक्स और टू एट एट और टू ट्वेल्व वन कैरियर आ गया हमारे पास फाइव एंड सिक्स सेवन एट और नाइन और एक टेन 102 यानी ये जो टोटल है हमारे पास 102 हो जाती है अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड uh, क्वेश्चन है उसका पूछता है कि थाईलैंड की जो स्टैंप है और जो टोटल नंबर है अब जो थाईलैंड की स्टैंप है वो कितनी है भाई हमारे पास थाईलैंड की स्टैंप हमारे पास आती है थर्टी सिक्स सो थर्टी सिक्स और रेशो क्या बनती है वन जीरो टू अब इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं थोड़ा इजी कर लेते हैं ये सिक्स पे डिवाइड हो जाएगा सिक्स सिक्स द थर्टी सिक्स और सिक्स वन सिक्स, फोर कैरी यहां पे फोर्टी टू बन गया और सेवन फोर्टी टू यानी ये हमारे पास हो गई साइम हैज वन जीरो टू ऑल टूगेदर सारी और ये सेकेंड वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा सिक्स रेशो सेवनटीन ये हमारा पूरा हो गया सॉल्व करते हैं मोसन इज थिंकिंग ऑफ टू नंबर के मोशन ने दो नंबर सोचे हैं कोई भी रैंडम दो नंबर हो सकते हैं द फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर यानी पहले वाला जो नंबर है जो फर्स्ट नंबर है इन दो में से एक नंबर छोटा है और द सेकेंड वन यानी दूसरे नंबर से पहला छोटा है और दूसरा बड़ा है द सम ऑफ दीज टू नंबर इज सेवेंटी टू यानी इन दोनों नंबरों को जमा करेंगे तो ये इन, इनका टोटल हो जाएगा 72 और जब डिफरेंस करेंगे द टू नंबर्स ऑफ 18 यानी द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 18 यानी इन दोनों के दरम्यान में जो फर्क है वो फर्क है 18 का सो so, अब हमें पता ये करना है Uh, what इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द टोटल सम ऑफ द अदर नंबर अब देखें uh, सबसे पहले हमें uh, ये पता है कि इन दो नंबर का टोटल क्या हो रहा है वो 72 होता है और दूसरा हमें यह पता है कि इनके दरमियान में डिफरेंस कितना है यानी 72 में से अगर हम 18 निकालते हैं तो हमारे पास जो uh, डिजिट आता है वो आता है 72 टू माइनस एटीन तो ये हमारे पास आ गया 4 12 में से 8 गए 4 और 4 के बाद हमारे पास यहां रह गया 6 में से 5, ये हमारे पास आ गया 5. अब अगला ये है कि हमें ये पता करना है कि द सम ऑफ द टू नंबर इज 18, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर अब देखें एक डिजिट हमारे पास एक डिफरेंस सामने आ गया है अब हमें वो छोटा डिजिट ढूंढना है जो छोटा है और दूसरा बड़ा वाला है सो so, अगर हम 54 को डिवाइड करते हैं 2 पे 54 डिवाइड बाय 2 तो हमारे पास आ जाता है 27। यानी जो फर्स्ट वाला नंबर है वो हमारा है 27। अब 27 है तो देखें छोटे वाला नंबर बड़ा है छोटा है पहला नंबर छोटा है और दूसरे वाला बड़ा है अब वो कितना बड़ा है वो बेसिकली ये 18 डिजिट इस इसकी जमा जब इसमें करेंगे 27 में प्लस 18 करते हैं तो ये हमारे पास आता है 785 और 23 और 4 यानी जो सेकंड जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आ जाएगा 45 यानी ये जो मोहसिन ने दो वर्ड सोचे थे उनमें से एक जो छोटा है वो सत्ताईस है और जो दूसरे वाला बड़ा है वो फोर्टी फाइव है और इन दोनों को जब हम जमा करेंगे यानी फोर्टी फाइव और ट्वेंटी सेवन को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास वही सेवनटी टू वाला आंसर यानी इनका सम आ जाता है और इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो 18 रह जाता है यानी हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया है लेकिन अब हमें जो मेन रेशो का आंसर जो देना है कि व्हाट इज द रेशो फर्स्ट नंबर यानी जो हमारे पास पहले वाला नंबर है वो है ट्वेंटी सेवन और द सम ऑफ द टू नंबर्स इन दोनों नंबरों का जो सम होता है यानी इन दोनों नंबरों का सम होता है हमारे पास 45 इन दोनों के दरमियान में रेशो क्या है नाइन पे हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो इस पे नाइन थ्री इज द 27 एंड नाइन फाइव द 45 फाइव थ्री रेशो फाइव आ जाएगी